मैंने कहा ये कविता, कविता में कहाँ से निकली, भाषा कहाँ से निकली जी ये समीप जी, ये कविता जो निकली? है ये दोहा। हाँ जब मेरे बेटे ने मुझे बताया हाँ कि पापा मैं एक लड़की को चाहता हूँ और वाह अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ, हाँ तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी मैंने कहा बच्चे, लेकिन मुझे कई दिनों पहले से खबर थी वो कैसे। तो मैंने कहा कि मैंने एक दोहा लिखा तेरे ऊपर, जी तो वो दोहा था कि आज अचानक कर गया बेटा बचपन पार, वाह आज अचानक कर गया बेटा बचपन पार, निकली उसकी जेब से चिट्ठी वाह वाह खुशबूदार। वाह, क्या बात है। आज अचानक कर गया हाँ बेटा बचपन पार, निकली उसकी जेब से चिट्ठी खुशबूदार। वाह और ऐसे ही एक रोज मैंने जो बच्चों में हिंसा की भावना, आज की जो बाजारवाद ने, उपभोक्तावाद ने, और बड़े उसमें लोग गिफ्ट में बर्थडे पर गन देते हैं, मुझे वो बड़ी वाली पिस्टल चाहिए, हाँ और आजकल तो वो स्टेन गन चाहिए, चाहिए। कहने लगा मुझे वो क्या है AK-47 चाहिए। तो वो बर्थडे में लेके आए तो लोग अपने बच्चों के, तो मैंने उस दिन जब उसे किसी दोस्त ने या मैंने यहाँ बाहर 10 सेक्टर में खरीद के दी, तो मैंने उसके गिफ्ट देने के बाद सोचा कि मुझसे जाने कैसे हो गई, वाह मुझसे भारी चूक, जाने कैसे हो गई मुझसे भारी चूक, बच्चे को उपहार में दी मैंने बंदूक। वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात, मैंने गजब। कहा मतलब उसके भीतर हिंसा की भावना मैंने स्वयं भरी कि इससे तो मर जाते हैं लोग, उस तो रोज देखता है, तो उससे तो वो खूब खेला उसे, लेकिन ये आभासी था, आभासी था, लेकिन आभास से ही तो यथार्थ है। वाह तो मैंने कहा कि उसके भीतर इससे मार डालने की जो एक विचार है अहिंसा की और भावना जरूर। उसकी उपजा है कि चला दूंगा, तो ये चला देना उसका, उसको जो आभास हुआ कि ये तो मार डालने के लिए होती है। तो मैंने कहा कि मैंने उसके भीतर गलत चीज दे एक दी। बहुत हिंसक विचार डाला है और मैंने बहुत बड़ी चूक की अपने जीवन। मैंने उसके बाद कभी जीवन में उसको कोई भी हिंसक चीज नहीं ली, स्पोर्ट्स की, खेल की, खेलकूद, उपहार में हिंसक चीजें देनी नहीं चाहिए, बहुत ये बढ़िया, अभिभावक को आप जरूर बताएं। ध्यान में रखने की बात। हाँ, और ये बात